तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हुई थी, तो बारिश अब थम चुकी है। तो मैं लेके चल रहा हूँ आपको आसपास का एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखिए डबल डेकर आ रही है, सिर्फ एक ही पैसेंजर है इसके अंदर, और मेरे होटल के बिल्कुल सामने स्टार सेल के सामने इसका बस स्टॉपेज है। होटल के सामने की बस स्टॉपेज है। चलिए मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ और देखते हैं कि टाइमिंग क्या है। वहाँ पर एक चार्ट दिख रहा है मुझे, ये है बस स्टॉप और ग्रेटर माले बस शेड्यूल, और ये है वेस्ट पार्क माले से लेके हुल्हु माले तक। और ये है इनका टेलीफोन नंबर, हॉटलाइन नंबर भी है यहाँ पर, अगर आप कॉल करना चाहें तो। चलिए मैं आपको इस तरफ का एरिया एक्सप्लोर करवाता हूँ, समंदर की साइड। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ खेलने के लिए यार काफ़ी सारे ग्राउंड्स हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए पहले मैं आपको ग्राउंड्स दिखा दूँ। यहाँ पर बीच वॉली है, स्केट पार्क है, यहाँ पर फुटसाल पिच, इसको फुटसाल पिच बोलते हैं, जो ये इस तरफ ग्राउंड देख रहे हैं फुटसाल पिच। और ये है बीच वॉली, बीच वॉली। और वो सामने जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर की बिल्डिंग, वो स्टार शेल होटल मेरा। और ये है यहाँ पर स्केट्स के लिए, और ये देखिए फ़िश बना रखी है यहाँ पर एक अन्ना में, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये फ़िश की आई बना दी और वो पीछे उसकी टेल बना दी है ना, और ये पूरी फुल बड़ी फिश। कुछ देर पहले यहाँ पर बच्चे स्केट कर रहे थे, तो अभी एक बच्ची आई है यहाँ पर स्केट करने के लिए आई थिंक। सूरज भाई निकल आया है, देखिए सनराइज मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको। ये बच्चे स्केट के लिए वेट कर रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊं तो बच्चे स्केटिंग के लिए वेट करते हुए यहाँ कि कब ये सूखे तो ये अपनी स्केट करें। और ये एक कैफ़े शानदार, अगर किसी ने अंदर बैठना है तो अंदर बैठ सकता है, बाहर बैठना है तो बाहर। और ये देखिए इसकी जो छत है वो स्पेशल कुछ है मटेरियल, जैसे अपने पंजाब में या और कंट्री में ऊपर छत पे डालते हैं ना, तो वैसा ही कुछ ब्यूटीफुल। और इस तरफ देखिए समंदर। चलिए आपको एक और ग्राउंड दिखाता हूँ मैं, या अर्थ ट्रैकर, अर्थ ट्रैकर, टी आर ई डबल के ई आर। Okay, thank you very much. And when will you do the skate? When it's dry. I will make your video. Okay. After how much time? Near about? 3 or 5 minutes. Okay, I am coming. Okay. Your name? Irshan. Okay, you are Maldivian. Yes. Oh, good. तो इरशान एक बच्चा मुझे मिला यहाँ पर, तो खुद मेरे पास आया कि कहने लगा कि यूट्यूबर हो आप, तो भाई यूट्यूबर तो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये है एक और छोटा सा ग्राउंड, देखिए फुटसाल कुछ लिखा था इन्होंने अपनी लैंग्वेज में। हेलो, सो you are doing I think skate little bit sometime before also? Yes.
You were doing skate? Yes. I was looking from that window on the top of that hotel. I was looking. Yeah, I was making video also that time. But now I will assure you very closely. Okay? After 5 minutes, I am coming. So, ये है ग्राउंड, ये है लिखा फुटसॉल पिच, मतलब पैरों से खेलते हैं, ये फुटबॉल टाइप कुछ है, छोटा सा ग्राउंड है, छोटा मीनिंग बड़े फुटबॉल का छोटा बच्चा। चलिए आपको समंदर की तरफ लेके जाऊँ, समंदर की लहरें दिखाता हूँ आपको। बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ पर घूमना आनंद आ रहा है भाई। और यहाँ पर भी वॉलीबॉल का नेट लगा हुआ है यहाँ पर। और भाई ये देखिए लहरें और लहरों का शोर। और वो दोस्त पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पर। बहुत ही क्लियर वाटर, देखिए आप पानी के अंदर तक देख सकते हैं। अभी मैंने शूज़ पहने, नहीं तो अंदर घुसता यहाँ पर मैं। वो देखिए कैसे लहरें आ रही हैं यहाँ। अरे बाप रे, वो एक और भी है उस पानी में, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग। कोई है वहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो। वो सामने रेड कलर का दुपट्टा या कोई चादर सी ओढ़ रखी है, वो शायद लेडी है या जेंट्स, आई डोंट नो। ये कुछ काम कर रहे हैं आई थिंक। वेरी ब्यूटीफुल। शायद कोई एक्सरसाइज है, आई डोंट नो। हाँ लेडी ही है वो सामने, जो मैंने आपको दिखाया रेड कलर में, वो लेडी ही है। तो एक लेडी इस तरफ देखिए कुछ लेके आई है, इनके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, कुछ पता नहीं इसको क्या बोलते होंगे। तो ये है, इस बीच का नाम है हुल हुमाले बीच। अब देखिए वो सनराइज़, वो सामने बादलों के पीछे सूरज, और सूरज के आगे आगे हैं बादल, तो जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा। बहुत ही क्लियर वाटर है यहाँ पर, बिल्कुल साफ, देखिए बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? ओके, इफ यू डोंट माइंड कैन यू टेल मी व्हाट द लेडीज आर डूइंग देयर? या लेडीज, या दे आर स्विमिंग और डूइंग सम एक्सरसाइज? एक्सरसाइज? नो नो, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज दिस? For okay, fine, fine. They, that's doctor told them. Their doctor told them to move their. Okay. Right. Meaning, some physical exercise is there. Sure. And that man, what is he doing? He's actually there. This is very shallow, deep. Okay, not deep, yeah. Yeah, then he's creating, I think, deep area. Okay. The meaning he is clearing the stones from there. Yeah, okay, fine. Right. Okay, fine. Okay, fine. Thank you. So, in bhai, yeah, from India, from Punjab, Bathinda. Yeah. Okay, thank you. So, in bhai saab ne kaha ki ye jo do ladies maine aapko dikhayi hain, ye koi exercise kar rahi hain yahan par. तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि कुछ एक्सरसाइज ही होगी इनकी, ये कुछ डॉक्टर ने बताया होगा कि पानी में जाके आप ऐसा कीजिए। तो और ये जो आदमी कुछ काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि लेडीज़ आ रही हैं और भी बहुत से आते होंगे लोग टाइम टाइम पर, तो ये इस एरिया को क्लियर कर रहा है यहाँ से पत्थरों को, ताकि उनके पैरों पर या कुछ ऐसा अंदर जब वो जाती हैं तो स्विमिंग करते हुए। ये देखिए वो स्विम कुछ कर रही हैं, स्पेशल एक्सरसाइज कुछ आई थिंक। तो लहरें कितना उछल उछल कर इस तरफ आ रही हैं।
तो मैं चलता हूँ अब उस बच्चे ईशान की तरफ। मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं 5 मिनट के बाद आऊँगा, तो चलते हैं उसके पास और उसकी स्केटिंग देखते हैं। तो अभी तक तो मौसम बिल्कुल ठीक चल रहा है, देखिए गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और सुबह के 7:02 हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट शुरू होगा 7:30, मीनिंग इंडिया के 7:30 बजे, और तब यहाँ पर होंगे 7:00 ऑफ मालदीव्स। तब तक मैं आधा घंटा 15 मिनट उस बच्चे के पास जा रहा हूँ। ईशान, हैव यू स्टार्टेड? नो, वेट एरिया। यू आर इन विच क्लास? 7। यू आर इन 7th क्लास, ओके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्केट करते हुए मुझे ईशान मिला था थोड़ी देर पहले, तो वो बच्चा अपने बारे में कुछ बताना चाहता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ईशान, ओके, गुड, वेरी गुड। तो ये स्केटर बनना चाहता है बड़ा होके, एंड योर गोल इज फॉर ओलंपिक्स और नॉट? यस और नो? ओके, गुड। एंड नाउ प्लीज यू कम दिस साइड, बिकॉज सन इज दैट साइड, और नो प्रॉब्लम इज देयर, डोंट वरी। ओके, से एनीथिंग, योर नेम, योर इंट्रोडक्शन, योर हॉबी, सिंपल, जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स। So tell me your name, please, first. Yeah, my name is Ayman. Your name is? Ayman. Ayman? Yeah. He has started. Nice. Nice turn. Oh, good. Brilliant. Good, Ishan. You also doing good. Thank you very much.